वेलकम टू सस्ता ठंडा। आज का दिन होगा हमारा मुल्तान कैंट स्टेशन पर। तो अभी तो कोई भी ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं है, सब खाली है। ये है मुल्तान छावनी की मोस्ट 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 ब्यूटीफुल बिल्डिंग चलते स्टेशन। लोको शेड, दोनों लोकोमोटिव जाने के लिए रेडी कर रखे हैं उन्होंने, गर्म कर रहे हैं भाई। 4 बजे 3:30 बजे दोनों निकल जाएंगे। ये रात के बारिश का पानी सलाब आया हुआ है। अभी उधर से आने वाली है फाइबर मेल टूडा, उसको भी देखेंगे अभी, उसको कैप्चर करेंगे हम बेहतरीन करके। AG30 अपना लोको शेड से बाहर आते हुए धूप लगाने के लिए, ज़रा सर्दी हो रही है ना, वो कमरे से बाहर आ रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। फिर थोड़ा सा आया, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा। नहीं भाई, दवा पूरा ही बाहर आ गया। देखते हैं आज कौन से लोकोमोटिव के साथ आ रही है ये। उसकी ज़्यादातर GU40 के साथ ही है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ मूव हो गई है ये। चलते हैं उस साइड पे।
खत्म भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, जैसे ये गया वैसे आपकी उंगली भी चुपरा से गया। ये आ गया मैं इस स्टैंडर्ड में नहर एक्सप्रेस का, बहुत ज़्यादा हीट हुई हुई है अभी, तीन करके सीटों की हालत सही है, बस नॉर्मल है क्योंकि पुरानी को हो चाहिए तो उसके मुताबिक सही है, साफ सुथरी है अभी तक तो बेहतरीन हालत में मौजूद है। नहर एक्सप्रेस का रेक अभी भी पुराना ही चल रहा है ज़्यादातर, सर्दियों के हिसाब में तो बेहतरीन है, हीटर की ज़रूरत ही नहीं है, फुल हीटर बना है। शंटिंग लोकोमोटिव खड़ा हुआ है अपने शंट करके सारी ट्रेन, अब बाउदिन जिक्री एक्सप्रेस आएगी उसको शंट करेगा ये, जब तक के लिए रेस्ट में ड्राइवर साहब वो बैठे हुए हैं। इसकी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई, ट्यूब का इस्तेमाल बोल रहा है, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। कोच की हालत बेहतरीन थी लेकिन ये है जो इसकी वह नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, वॉशरूम तो साफ सुथरे ही मेरा, चलते हैं नेक्स्ट कोच पे। ये प्लान के पास आ गया हूं मैं, आ जाओ आप इंजन में बैठ जाओ, लेकिन मैं ये प्लान के पास। अच्छा HBU-20 का साउंड अमेजिंग, AG-30 जिक्री एक्सप्रेस के लिए पहले से उधर शंट हो रहा है, लेकिन जिक्री एक्सप्रेस साहिबा अभी 3 घंटे लेट हैं और अभी तक इधर पहुंची नहीं है। ये भी AG-30 के साथ
ये सर्टी को गुस्सा आ गया, काफ़ी देर खड़े हो गया, अब निकल रहा है। ये लेट आई है, मुझे नहीं लगता कि नहाने लेके जाएंगे इसे, हो सकता है यहीं सफाई कर दें इसकी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और एज 30 भी किसी लाइन पे हो चुका डाइवर्ट, लगता यही है कि इसे ऐसे ही लेके जाएंगे गंदा ही, बाकी देखते हैं अभी क्या होएगा, अभी पता लग जाएगा। 30 आ गया, मैच हो जाएगी। अटैच होने के लिए आ गया, मामा डरा देना सानू। सादा तो हो गया, पानी भरने के लिए भी चढ़ गए ऊपर। ले गया भाई पावर वैन को उठा के, ले जा भाग जा भाग जा, जोर से जल्दी भाग जा, पकड़ लेगा नहीं तो। ये है हमारा मुल्तान का प्यारा सा बिजी रेलवे स्टेशन, बहुत ही VIP किस्म का कुर्सी। ये क्या अजीब अजीब हॉर्न मार रही है, ये अच्छा पागल हो गया। ये नायर एक्सप्रेस की निकलने के लिए फुल तैयार है, फुल मोड में निकलने का, जो इसका टाइम हो गया है डिपार्चर कैप्चर करने से।
अब इसका नहाने का टाइम है, इसका नहाने का टाइम है और इसके आने के बाद इसके जाने का टाइम। इधर तो सन्नाटा मच गया भाई, सन्नाटा कोई नहीं था जैसे यहाँ पे थी नहीं ट्रेन, और अभी इतना शोर हो रहा था।
वाह भाई है ट्रेन तो भाई खाली होगी जो इतनी खींच के ले गई है स्पीड ऑफ स्पीड 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस है जीएमयू 30 के साथ एंटर हो चुकी है स्पीड ऑफ स्पीड